So after discussing the abiotic factor and the responses, there is one more topic, it is known as adaptations. इसको समझने के लिए हमें कल की एक छोटी सी बात को दोहराना है, और बात यह थी कि अगर एनवायरमेंट वेरिएबल हो, कल हमने पढ़ा था कि एनवायरमेंट अगर वेरिएबल है तो इस वेरिएबल एनवायरमेंट का सबसे ज्यादा प्रभाव ऑर्गेनिज्म पे पड़ता है। बदलता हुआ एनवायरमेंट, मैंने बोला था मौसम बदलने पर सर्दी जुकाम या इस तरीके की कई बीमारियां होती हैं, तो आपको समझना पड़ेगा एनवायरमेंट बदलने पर ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है। और आपने इसे बोला था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, और इस स्ट्रगल को ऑर्गेनिज्म हर हाल में जीतना चाहता है। ऑर्गेनिज्म इस स्ट्रगल को जीतने के लिए फिट होना चाहता है, क्योंकि हम एक छोटा सा और टर्म समझते हैं, इट इज द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है वही सरवाइव करेगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म को फिट रहने के लिए अपनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, या फिर अपनी बॉडी की बायोकेमिकल रिएक्शंस, बात लगभग एक जैसी है, बायोकेमिकल रिएक्शंस, इनका जो रेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमें ऑप्टिमम करना पड़ेगा। सो हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट ऑप्टिमम करने के लिए हमें इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और उस इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखने को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इसे एक बार फिर से समझ लेना जरूरी है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल है, बदलते हुए एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल कर रहा है, इस स्ट्रगल को जीतने के लिए ऑर्गेनिज्म को फिट रहना है, फिट रहने के लिए अपने अंदर चलने वाली जितने भी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन है उनका रेट मैक्सिमम नहीं करना बल्कि ऑप्टिमम करना है। और ये करने के लिए कि ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन और बायोकेमिकल रिएक्शन ऑप्टिमम रेट पे चले, उसको अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरमेंट कांस्टेंट रखना है, जिसको हम लोगों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा था। आज हम लोग इसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं कि जब वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करने की कोशिश करता है ऑर्गेनिज्म, या फिर अपने रेट को ऑप्टिमम करने की कोशिश करता है, या फिर वो अपने आप को फिट रखने की कोशिश करता है, इस दौरान ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तीन तरीके के बदलाव आ सकते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, चेंजेस। और ये जो तीन तरीके के चेंजेस हैं वो या तो हो सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल, या तो हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल, और या तो हो सकते हैं बिहेवियरल। ऑर्गेनिज्म अपनी मॉर्फोलॉजी में बदलाव कर सकता है, फिजियोलॉजी में बदलाव कर सकता है, अपने बिहेवियर में बदलाव कर सकता है, ताकि वो क्या हो सके, फिट, और इसकी वजह से उसका क्या हो सके, सर्वाइवल। ये जो चेंजेस हैं आपको समझने की जरूरत है, ये जो चेंजेस हैं इन्हीं चेंजेस को हम लोग एडाप्टेशन बोलते हैं। कल इसी पॉइंट पर हम लोगों ने लिखा था एबिलिटी, एबिलिटी टू मेंटेन इस इंटरनल एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। तो समझिएगा, होम्योस्टेसिस एक एबिलिटी है, एक क्षमता है, लेकिन उस क्षमता की वजह से बॉडी में जो बदलाव आ जाएंगे, उन बदलावों के आने के को हम लोग क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। तो अगर आप एडाप्टेशन पूछे मुझसे क्या है, या फिर आप बताने की कोशिश करेंगे, तो एडाप्टेशन इज एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और बिहेवियर विच मेक यू फिट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, एंड दैट चेंज इज नोन एज एडाप्टेशन। सो वी कैन राइट इट लाइक दैट, एनी एट्रीब्यूट, आपके एनसीईआरटी में यही शब्द है, एनी एट्रीब्यूट, या फिर आप लिख सकते हैं चेंज, एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और इन बिहेवियर। विच हेल्प इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। ऐसे चेंजेस जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए, आपकी बॉडी में ऐसे बदलाव जो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी हैं, उन बदलावों को हम लोग एडाप्टेशन बोलते हैं। तो बेसिकली
एडाप्टेशन हमारे लिए मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करता है. वन इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल, अनदर वन इज फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल. एक रिवीजन करने के बाद हम इसे रफ करते हैं. देखिए, एनवायरमेंट है वेरिएबल. इस वेरिएबल एनवायरमेंट में ऑर्गेनिज्म कर रहा है स्ट्रगल. इस स्ट्रगल को जीतने के लिए उसे रखना है फिट. फिट होने के लिए, क्योंकि बेटा फिट होने का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. इस फिट होने के लिए उसे अपनी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन का रेट मैक्सिमम करना पड़ेगा. इन रेट को मैक्सिमम करने के दौरान वो अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाएगा. ये चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, बिहेवियरल हो सकते हैं. इन चेंजेस की वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन में हेल्प होगा. और इन्हीं चेंजेस को हम लोग बोलेंगे एडाप्टेशन. बोर्ड में कुछ नहीं, आप बता सकते हैं व्हाट इज एडाप्टेशन. इट इज एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और इन बिहेवियर विच मेक यू फिट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. यहां पर एडाप्टेशन से कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इनमें से पहला एग्जाम्पल है कंगारू रैट का. आप एक एक करके ये एग्जाम्पल पढ़ते जाएं और एनसीईआरटी में लिखे हुए सारे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए. कंगारू रैट. पहला एग्जाम्पल है कंगारू रैट का. ये जो कंगारू रैट है ये नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में पाया जाता है. नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, आप समझ सकते हैं कि वहां पर पानी की बहुत कमी है और पानी की बहुत कमी होने की वजह से पानी वहां पर है नहीं. पानी नहीं है इस वजह से हम कह सकते हैं कंगारू रैट को पानी मिलता नहीं है पीने के लिए. तो कुछ बुक्स का ये मानना है कि कंगारू रैट कभी भी लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता. तो फिर वाटर नहीं लेगा तो वाटर की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होंगी. सो कंगारू रैट अपनी बॉडी का फैट ऑक्सीडेशन करता है. जब वो अपनी बॉडी में फैट का ऑक्सीडेशन करता है तो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है वाटर. अब इस बाय प्रोडक्ट ऑफ वाटर को वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करता है. देखिए, पानी बाहर से ना मिलने के बावजूद भी कंगारू रैट वाटर का इंतजाम अपनी बॉडी में खुद से करता है बाय फैट ऑक्सीडेशन. इसीलिए पूरे दिन में उसे एक फैट रिच डाइट ले पाना बहुत जरूरी है. फैट ऑक्सीडेशन का बाय प्रोडक्ट है वाटर, जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है. वन थिंग मोर, कंगारू रैट यूरिन में वाटर को लॉस नहीं कर सकता, इसलिए वो बहुत ही कंसेंट्रेटेड यूरिन डिस्चार्ज करता है जिसमें वाटर बहुत कम और मिनिमम है, बहुत कम मॉइस्चर है. यानी पानी की लॉस को रोकने के लिए कंसेंट्रेटेड यूरिन करता है और दूसरा पानी को पाने के लिए पानी पीता नहीं बल्कि फैट का ऑक्सीडेशन करता है. सो आप देख सकते हैं कि कंगारू रेड की ये जो एडाप्टेशन है ये एडाप्टेशन उसकी फिजियोलॉजी से. मैंने बोला था तीन जगह से हो सकते हैं, या तो मॉर्फोलॉजी, या तो फिजियोलॉजी, या तो बिहेवियर. कंगारू रेड के जो एडाप्टेशन है ये है फिजियोलॉजी से. याद रखना ये एडाप्टेशन कुछ इतने पुराने हो गए हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं. यानी मैं कह सकता हूं कि एडाप्टेशन ये जेनेटिकली फिक्स हो चुके हैं. इसलिए बोला जाता है एडाप्टेशन कैन ऑफ टू टाइप. वन इज नोन एज शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन. वो एडाप्टेशन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ के दौरान गेन करता है मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, लेकिन अपनी प्रोजेनी को ट्रांसफर नहीं करता. लेकिन लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन दूसरे तरीके के एडाप्टेशन है. ये लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन ऐसे एडाप्टेशन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म के जर्म प्लास्ट तक पहुंच जाते हैं और प्रोजेनी टू प्रोजेनी ट्रांसफर होते हैं. तो आप कह सकते हैं कंगारू रेड का ये जो एडाप्टेशन है ये लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन हो चुका है. एक और क्वेश्चन इसमें शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन से लेकर के व्हाइट स्किन या फेयर स्किन कलर का कोई भी ह्यूमन बींग अगर ट्रॉपिकल एरिया में रहे तो उसे कैंसर से बचने के लिए मेलेनिन लेना पड़ेगा. मेलेनिन स्किन में लाने की वजह से उसकी बॉडी टैन हो सकती है, ब्लैक हो सकती है. लेकिन क्या ये ब्लैक कलर वो अपने प्रोजेनी को देगा? नहीं देगा. इसलिए वो कैसा एडाप्टेशन हुआ? शॉर्ट टर्म. लेकिन अगर कोई एडाप्टेशन ऐसा हुआ है जो प्रोजेनी में चला जाए, दैट इज नोन एज लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन. सो यहां पर हम लोग कंगारू रेड के इस लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक जैसा कंगारू रेड का एडाप्टेशन है वैसा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है जेरोफिटिक प्लांट का. आप इस पर ध्यान दीजिए. जेरोफिटिक प्लांट वो प्लांट है जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो डेजर्ट में रहते हैं.
जेरोफिटिक प्लांट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि पानी में की कमी में रहते हैं तो क्या करते होंगे। पहली बात, इनकी जितनी भी क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल जो होती है वो थिक हो जाती है। आपको मालूम है क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग। अगर लीव के ऊपर क्यूटिकल है, स्टेम के ऊपर क्यूटिकल है, तो बताइए वाटर का लॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्यूटिकल थिक होने पर ट्रांसपायरेशन रेट घट जाता है। दूसरा, इनके पास संकीर्ण स्टोमेटा होते हैं। ये शब्द याद रखिएगा, संकीर्ण स्टोमेटा वो स्टोमेटा होते हैं जो डीप सीटेड होते हैं, छुपे हुए स्टोमेटा होते हैं। एपिडर्मिस में छुपे हुए स्टोमेटा को हम लोग संकीर्ण स्टोमेटा बोलते हैं, और संकीर्ण स्टोमेटा होने से वाटर लॉस होने के चांसेस कम है। और तीसरा, जिसे क्वेश्चन भी बना है, तीसरा और बढ़िया अडाप्टेशन है कैम साइकिल। इसका फुल फॉर्म मैंने पहले भी पढ़ाया था, इट इज नोन एज क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म ये कैम साइकिल है जो क्रेसुलेसी फैमिली के मेंबर में होता है। अब आप पूछेंगे क्रेसुलेसी फैमिली कौन सी है? क्रेसुलेसी फैमिली का मेंबर है अपंसिया, इसे हम जनरली कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, अपंसिया। अपंसिया में पाया जाना वाला ये स्पेशल प्रकार की फिजियोलॉजी, दैट इज नोन एज क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये हम इस पौधे को एडाप्ट इस तरीके से करती है कि इसके स्टोमेटा नाइट में खुलते हैं। स्टोमेटा में नाइट में ओपनिंग होती है, और नाइट ओपनिंग होने की वजह से ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाता है। फिर से एक बार, जेरोफिटिक प्लांट ऐसे प्लांट हैं जो वाटर की कमी में, डेजर्ट एरिया में रहते हैं। अगर वाटर की कमी उन्हें ऑलरेडी है तो वाटर का लॉस वो ज्यादा कर नहीं सकते। वाटर का लॉस ज्यादा नहीं कर सकते इसलिए सबसे पहले वो अपनी क्यूटिकल को थिक करते हैं। थिक क्यूटिकल करने की वजह से वाटर लॉस कम होने लगता है, ट्रांसपायरेशन कम होने लगता है। इसके अलावा उनके पास जो स्टोमेटा होते हैं उन्हें वो संकीर्ण करते हैं, डीप सीटेड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। तीसरा, उनमें कैम नाम की साइकिल होती है, फुल फॉर्म है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेसी एक फैमिली है जिसमें एसिड मेटाबॉलिज्म नाम की एक छोटी सी साइकिल होती है। C4 साइकिल जैसी साइकिल है, जब हम लोग फोटोसिंथेसिस में C3 और C4 पढ़ रहे थे, वैसे C4 साइकिल जैसी साइकिल है ये कैम साइकिल। और इस कैम साइकिल की वजह से स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, और नाइट में ओपन होने की वजह से इनमें ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाता है। वन थिंग मोर, अगर आप अपंसिया भूले नहीं है तो अपंसिया में हम लोगों ने एक मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन पढ़ा था, और इसको हमने पढ़ा था फिल्लोक्लैड के नाम से। अगर आपको फिल्लोक्लैड नाम का एडाप्टेशन याद है तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फिल्लोक्लैड एडाप्टेशन में जो स्टेम होता है, इट लुक लाइक लीफ, द स्टेम बिकम लीफ लाइक एंड द लीफ बिकम स्पाइंस। तो जो लीफ स्पाइंस हो गई हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि लीफ स्पाइन इसलिए हुई है ताकि प्रोटेक्शन हो सके। नो, लीफ बिकम स्पाइंस, ये जो लीफ हैं, ये स्पाइन जैसी इसलिए हो गई हैं ताकि वाटर लॉस कम हो सके। तो ये दो एडाप्टेशन और हैं, इनका स्टेम बिकम लीफ लाइक जिससे फोटोसिंथेसिस हो रही है, एंड द लीफ बिकम स्पाइन। सो दिस, इन दिस जीरोफिटिक प्लांट आप मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी अलग अलग देख सकते हैं। तो क्यूटिकल मोटा हो जाना, थिक हो जाना, इट इज मॉर्फोलॉजी। संकीर्ण स्टोमेटा, इट इज मॉर्फोलॉजी। कैम साइकिल, इट इज फिजियोलॉजी। इसके अलावा स्पाइन, लीफ का स्पाइन में चेंज हो जाना, इट इज मॉर्फोलॉजी। और स्टेम का लीफ लाइक चेंज हो जाना, इट इज मॉर्फोलॉजी। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, एडाप्टेशन इज एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और इन बिहेवियर। और यहां पर आप लोग कहां पर देख रहे हैं? मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो आप लोगों ने अडाप्टेशन पढ़ने चालू किए, इसके पहले कि मैं एक रिवीजन कराऊं और आगे बढ़ूं, आप देखते जाइए। पहली बात, अडाप्टेशन आपको दो तरीके के मिल सकते हैं। वन इज नोन एज शॉर्ट टर्म अडाप्टेशन, दूसरे कौन से? लॉन्ग टर्म अडाप्टेशन। शॉर्ट टर्म अडाप्टेशन वो है जो प्रोजेनी में पास नहीं होंगे, और लॉन्ग टर्म अडाप्टेशन वो है जो जर्म प्लाज्म में हो गए और कहां पास हो गए हैं? प्रोजेनी में। अब आप देखते हैं कंगारू रेट का एग्जाम्पल। कंगारू रेट नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट का एक रेट है जो अपनी जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। पानी कम होने की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से पानी नहीं मिलता, लेकिन पानी फिर भी चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए वो अपने फैट का ऑक्सीडेशन करता है। फैट के ऑक्सीडेशन के दौरान वाटर बाय प्रोडक्ट बनता है जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज हो जाता है। साथ में अपने यूरिन को वो कंसेंट्रेट करता है। इसके अलावा हम लोगों ने जेरोफिटिक प्लांट के
कुछ मॉडिफिकेशन देखे, अडाप्टेशन देखे। जेरोबेटिक प्लांट में सबसे पहले तो वो क्यूटिकल को थिक करते हैं, स्टोमेटा संकेन करते हैं, और उनमें एक साइकिल पाई जाती है, कैम साइकिल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। कैम का फुल फॉर्म है क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्रेसुलेसी इज द फैमिली ऑफ अपन्सिया। अपन्सिया में दो और चेंज है जिनको हम लोग फिल्लोक्लैड के नाम से देख जानते हैं। एक तो इनका स्टेम हो जाएगा लीफ लाइक फ्लैटेंड, और इनकी लीफ हो जाएंगी स्पाइन, और ये एडाप्टेशन से ही अपने वाटर लॉस को रोक सकेंगे। ठीक है, इसके बाद कल हमने कोल्डर क्लाइमेट के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने कल एक रूल पढ़ा था, दैट वाज द रूल एज बर्गमैन रूल। अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ऑर्गेनिज्म का, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इट गेट डिक्रीजेस। इसको हम लोगों ने मैथ से फिजिक्स से प्रूव करने की कोशिश की थी। जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, और हीट लॉस और हीट गेन इट इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना हीट लॉस कम चाहिए सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम उतना भी कम चाहिए। आज हम लोग दूसरे रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस रूल का नाम है एलेंस रूल। याद रखने की वाली बात है, एलेंस रूल भी बेटा मैमल्स पर अप्लाई होता है, ज्यादातर समय पर मैमल्स पर अप्लाई होता है, और ये रूल भी कोल्डर क्लाइमेट के मैमल पर है। कोल्डर क्लाइमेट के मैमल पर एलेंस रूल लगता है, और उसमें भी यही बेसिक बात यही है, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि मैं बोलूं, ऑर्गेनिज्म अपना सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए क्या करेगा, साइज को बढ़ा लेगा। अब मैंने कह दिया कि उसने अपना साइज बढ़ा लिया है। साइज बढ़ा लिया इसका मतलब साइज जितना बड़ा होना था हो चुका है, इसका मतलब वॉल्यूम उसने जितना बढ़ाना था बढ़ा लिया। इसका मतलब साइज हमें रफली आइडिया देता है वॉल्यूम का, रफ आइडिया देता है वॉल्यूम का, कि अगर साइज बड़ा है तो वॉल्यूम ज्यादा है। अब वॉल्यूम ज्यादा होने पर भी हम सरफेस एरिया और कम कैसे कर सकते हैं? माइंड इट, हमारा गोल ना तो वॉल्यूम ज्यादा करने का है, ना सरफेस एरिया कम करने का है, हमें इस टोटल को कम करने का हमारा गोल है। तो हमें सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कम करने के लिए साइज तो ऑलरेडी बड़ा रखा है, अब हम क्या करें कि हमारी बॉडी का सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम और कम हो जाए। तो होता यूं है कि जितने भी कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं, साइज बढ़ाने के बाद अपनी एक्सट्रीमिटीज, याद रखिएगा एक्सट्रीमिटीज किने बोलते हैं, जैसे हमारी फिंगर्स है, पैर की फिंगर्स हैं, लिम्स हैं, हाथ हैं, कान है, नाक है, लिप्स हैं, ये सब हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं। अगर मैं इन एक्सट्रीमिटीज का साइज छोटा कर लूं तो वॉल्यूम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइज पर फर्क, सॉरी सरफेस एरिया पे फर्क पड़ेगा। तो एक तो कोल्डर क्लाइमेट के जो मैमल होते हैं वो साइज बढ़ाते हैं, लेकिन एक्सट्रीमिटीज को क्या कर देते हैं, शॉर्ट। तो कोल्डर क्लाइमेट के एनिमल जितने भी हैं वो एक्सट्रीमिटीज को शॉर्ट कर देते हैं। सी, हम लोगों ने ये देखा कि सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम को हमें कम करना है, और अगर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम को कम करना है तो वॉल्यूम को ज्यादा और सरफेस एरिया को कम करना है। वॉल्यूम को ज्यादा करने के लिए हमने साइज को इंक्रीज कर दिया। अब सरफेस एरिया को कम और कैसे करें उतने ही वॉल्यूम में। लेट सपोज मेरी बॉडी आप देख रहे हैं, मेरी बॉडी का जितना भी हाइट है वो तो फिक्स हो चुका है, लेकिन इस हाइट पर अगर मैं हाथ लंबे कर लेता हूं तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर मैं हाथ छोटे कर लूं तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, कान छोटे कर लूं तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, अगर मैं नाक छोटी कर लूं तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कोल्डर क्लाइमेट में रहने पर अपनी साइज को बढ़ाने के बाद अपनी एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेते हैं, शॉर्ट। और एक्सट्रीमिटीज को शॉर्ट करना ही जो रूल है उस रूल का नाम क्या है, एलेंस रूल। सो एलेंस रूल के अनुसार आप अपनी एक्सट्रीमिटीज को शॉर्ट कर लेंगे। इसको लेकर के इसमें मेडिकल साइंस में एक छोटा सा और एक बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, ध्यान देने की बात है। जितनी भी हमारी एक्सट्रीमिटीज है, लाइक नोज टिप्स, लाइक ईयर लोब्स,
लाइक फिंगर टिप्स। आप इसको बहुत ध्यान से समझिए, मैं बोल रहा हूं नोज टिप्स, ईयर लोब्स, फिंगर टिप्स या फिर लिम्स, इनके लिम्स के, नोज टिप्स के, ईयर लोब्स के या फिंगर टिप्स के जितनी भी स्किन है, लेट सपोज दिस इज द स्किन ऑफ द फिंगर टिप्स, फिंगर टिप्स की जितनी भी स्किन है इसमें कैपिलरीज जो होती हैं वो डायरेक्ट ओपन होती हैं टू द एनवायरमेंट। माइंड करिए, हार्ट से चलेंगे आर्टरी, आर्टरी से आर्टेरियोल, आर्टेरियोल से वेन्यूल, वेन्यूल से सॉरी आर्टेरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से यू नो वेन्यूल साइड, वेन साइड, और इस तरीके से वेन बनती जाती। अभी आपको क्या मालूम है कि यहां पर जो ब्लड आ रहा है वो ओपन कैपिलरीज में आ रहा है, ओपन कैपिलरीज, और ये ओपन कैपिलरीज डायरेक्ट ओपन हो रही हैं स्किन, और इनको स्किन से सीधे कांटेक्ट में। अब होगा क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम होने की वजह से यहां पर जो आपको टेम्परेचर फील होगा वो ऑलरेडी कम है, और यहां पर जो ब्लड का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बताइए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने पर और बाहर का टेम्परेचर लेट सपोज 10 डिग्री होने पर आपकी बॉडी, आपकी कैपिलरी हीट गेन करेगी कि लॉस करेगी? लॉस करेगी। अब आप हीट लॉस करने लगेंगे, टेम्परेचर लॉस करने, हीट लॉस करने लगेंगे, इसका मतलब आप कितना भी रेगुलेट कर लें, मैमल होने के बावजूद भी आप कितना भी रेगुलेट कर लें, आपकी कोर बॉडी का टेम्परेचर तो रेगुलेट हो जाता है लेकिन फिंगर टिप्स का, नोज टिप्स का, ईयर लोब्स का कभी भी रेगुलेशन उतना प्रॉपर नहीं है। इसीलिए हमारी घर में मम्मा लोग क्या कहते हैं, भाई मफलर पहनो, सर्दियों में आप ग्लव्स पहनो। कारण यही है कि नोज टिप्स, फिंगर टिप्स, इन सबके रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है, और रेगुलेशन प्रॉपर नहीं है तो बॉडी का टेम्परेचर लॉस होने का चांसेस सबसे ज्यादा कहां पर है, कोर से कि एक्सट्रीमिटीज से। और इसलिए ऑर्गेनिज्म अपनी एक्सट्रीमिटीज का सरफेस एरिया बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा, और इसलिए वो अपनी एक्सट्रीमिटीज को लॉन्ग करेगा कि शॉर्ट करेगा? शॉर्ट। और एलन रूल यही करता है कि मैमल्स अपनी एक्सट्रीमिटीज का साइज शॉर्ट कर लेते हैं। याद रखना है, बच्चे बहुत कंफ्यूज तब होते हैं जब मैं बर्गमैन रूल और एलन रूल दोनों सामने रखता हूं। बर्गमैन रूल पढ़ाते वक्त मैं बताता हूं अपनी बॉडी का साइज बढ़ाएंगे, बॉडी का साइज, तब वो किस पे फोकस कर रहे हैं, वॉल्यूम पर, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होने पर सरफेस एरिया परमिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और जब मैं एलन रूल पढ़ाता हूं तो मैंने कहा वॉल्यूम जितना बढ़ना था बढ़ चुका, अब क्या कम करना, सरफेस एरिया। इसलिए सरफेस एरिया को कम करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रीमिटीज को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो दो रूल है, वन इज नोन एज बर्गमैन रूल और एक कौन, दूसरा कौन सा रूल, एलेंस रूल। सो आपके सामने ये दोनों रूल्स अभी अभी मैंने बता दिए, एक बार रिवीजन और कर लीजिए, मैं आपको बताता जा रहा हूं। सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम इसी फैक्टर पर डिपेंड करेगा, हीट लॉस और हीट गेन। और हमने कल पढ़ा था कि बर्गमैन रूल हीट लॉस को कम करने के लिए ऑर्गेनिज्म के साइज को बढ़ा देता है अकॉर्डिंग टू बर्गमैन रूल। और याद रखना, आज हम लोग एलेंस रूल पढ़ रहे हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का साइज बड़ा हो चुका है वो अब अपनी एक्सट्रीमिटीज को क्या कर लेंगे, छोटे। अब मैं दो क्वेश्चन आपको समझा करके इसे खत्म करता हूं। ऐसे सोचिए कि एक ट्रॉपिकल बियर है और एक पोलर बियर है, यानी एक ट्रॉपिक एरिया का भालू है और एक पोलर एरिया का भालू है, तो बताइए साइज किसका बड़ा होगा? पोलर बियर, पोलर बियर का बड़ा होगा। लेकिन कान किसके छोटे होंगे? पोलर बियर के। और कान बड़े किसके होंगे? ट्रॉपिकल बियर। अगर मैं इन दोनों को आपस में रिलेट करूं तो एलन रूल और बर्गमैन रूल इसी तरीके से चलते हैं, ठीक है। एक और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और इस फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में मैं एक छोटी सी डिसीज के बारे में बात करता हूं। इट इज नोन एज माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस, दिस माउंटेन सिकनेस इज ऑल्सो नोन एज एल्टीट्यूड सिकनेस। और कल हम लोग एल्टीट्यूड के बारे में बात कर चुके हैं, जब हम सी लेवल से पहाड़ों पर जाएं, ये हम लैटिट्यूड में एंट्री करते हैं कि एल्टीट्यूड में? एल्टीट्यूड में। जब हम सी लेवल मैदानों से हिल्स की तरफ जाते हैं, सो ये जो चढ़ना है इट इज नोन एज एल्टीट्यूड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में एसेंड करते हैं, कब, जब आप पहाड़ों पर घूमने जाते हैं, जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में एसेंड करते हैं, पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, आपको मालूम है पहाड़ों पर टेम्परेचर कम है, साथ में प्रेशर भी कम है,
और अगर प्रेशर कम है तो वहां के एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन आपको मिल रही है वो लो प्रेशर में मिल रही है कि हाई प्रेशर में? लो प्रेशर में। और लो प्रेशर में ऑक्सीजन मिलने पर, लो ऑक्सीजन प्रेशर मिलने पर, ये जब ऑक्सीजन आपके लंग्स की तरफ जाती है, याद रखने वाली बात है कि जब ये ऑक्सीजन आपके लंग्स की तरफ जाती है तब आपको ऑक्सीजन की डिलीवरी पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती। अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से लंग्स में अच्छी तरीके से नहीं जाएगी तो अगर आप मैदानों से अभी अभी पहाड़ों की तरफ आए हैं तो आपको कुछ सिम्टम महसूस होंगे, जैसे आपकी एनसीईआरटी बोलती है अगर 3500 मीटर ऊपर, जैसे कि रोहतांग पास, इसके ऊपर आप एसेंड कर जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन लो पार्शियल प्रेशर पे मिल रही है, इस लो प्रेशर की ऑक्सीजन जब आपके लंग्स की तरफ जाएगी तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा। और आपको इतना तो मालूम ही है, मैं जानता हूं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन को डिनोट करता है। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने का मतलब है कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन के मोल्स भी कम है, इसका मतलब आपकी लंग्स पर जाने वाली ऑक्सीजन का मोल कम की ज्यादा कम, और हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम। अगर ऑक्सीजन कम कंसंट्रेशन में गई तो हमें कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। उनमें से पहला सिम्टम है पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब है आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगेगा, आपको लगेगा कि जैसे कि आपको दिल, आपके हार्ट रेट, आपके हार्ट बीट आपको कान में सुनाई पड़ रही, पैल्पिटेशन। इसके अलावा आप बहुत तेजी से थकने लगेंगे, आपसे बोला जाए थोड़ा थोड़ा और चढ़िए या पहाड़ चढ़ेंगे तो आपको बहुत तेजी से थकान महसूस होगी। याद रखना वोमिटिंग सी होने लगेगी, वोमिटिंग, कई बार वोमिटिंग हो जाएगी, कई बार वोमिटिंग फील होगी। वोमिटिंग का फील होना इट इज नोन एज नौजिया, यानी नौजिया और वोमिटिंग आपको फील होगी। कुछ लोग हेडेक भी महसूस करते हैं, बहुत ज्यादा हेडेक होने लगता है, और इस वजह से लोग पहाड़ों पर जा करके अनइजी महसूस करते हैं। अनइजी महसूस करने का नाम ही है बेटा माउंटेन सिकनेस। लेकिन आप पहाड़ों में 10 से 15 दिन गुजारिए, हो सकता है दूसरे या तीसरे दिनों के बाद से ही माउंटेन सिकनेस के एडाप्टेशन आपको मिलने लगेंगे। इन एडाप्टेशन को बुक ने एक्लिमेटाइजेशन बोला है। एक्लिमेटाइजेशन, आप वहां के एनवायरमेंट पे अपने आप को एक्लिमेटाइज करने लगेंगे, अडाप्ट करने लगेंगे। और अडाप्ट करते वक्त क्या है, क्या करना है आपको, आपको आइडिया होना चाहिए आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही, और ऑक्सीजन को पकड़ता कौन है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन रहता कहां है, आरबीसी में। तो पहला बात जो बॉडी आपका करेगी वो आरबीसी का काउंट बढ़ाने लगेगी, आरबीसी काउंट इंक्रीज होने लगेगा। ये अडाप्टेशन है फॉर द माउंटेन सिकनेस। आरबीसी अपने काउंट को बढ़ाने लगेगी, यानी एरिथ्रोपोएटिन बढ़ने लगेगा, और एरिथ्रोपोएटिन की वजह से आरबीसी का काउंट इंक्रीज करने लगेगा, पहला एडाप्टेशन। दूसरा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ने का मतलब है सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज हो जाएगी, जैसे पहले 12 से 14 थी तो अब 20 तक पहुंच सकती, 22 तक पहुंच सकती, सांस तेज तेज चलने लगेगी, यह भी एक एडाप्टेशन है। और तीसरा एडाप्टेशन है जो कि बोहर इफेक्ट को मजबूत करेगा। सो आप लोगों को बोहर्स इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। बोहर्स इफेक्ट यह कहता है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के पास है, हीमोग्लोबिन के पास जो भी ऑक्सीजन आई, कैसे आई आई डोंट नो, आरबीसी लेकर के आई है, किसी भी तरीके से ऑक्सीजन अगर आपकी हीमोग्लोबिन तक पहुंच गई है तो अब यह हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट ऑक्सीजन ब्लड में प्रेजेंट है। तो ब्लड में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो ब्लड को जरूरी नहीं है बल्कि जरूरी है टिश्यूज को, और अगर टिश्यूज को ये ऑक्सीजन जरूरी है तो हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को छोड़ेगी तभी टिश्यू उसे एक्सेप्ट करेंगे। बोहर इफेक्ट बोलता है कि ग्राफ को राइट शिफ्ट करना चाहिए, अगर ग्राफ को राइट शिफ्ट किया तो एफिनिटी कम होगी, एफिनिटी कम होगी तो ऑक्सीजन ब्लड से कहां जाएगी, टिश्यूज पे। तो इसका मतलब आपको एनवायरमेंट से ऑक्सीजन भले कम मिल रही हो, ब्लड में ऑक्सीजन भले कम जा रही हो, आप ब्लड में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए आरबीसी का अमाउंट बढ़ा सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन को तेजी से नहीं पकड़ सकती हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सीजन को तेजी से हीमोग्लोबिन ने पकड़ा तो वो ब्लड में तो जरूर ऑक्सीजन मिलेगी लेकिन टिश्यू को, और टिश्यू के पास नहीं जाएगी तो टिश्यू बचेगा कि नेक्रोस हो जाएगा, नेक्रोस। इसलिए ऑक्सीजन की के लिए एफिनिटी हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा कि घटा देगा, घटा देगा, इसका मतलब डिक्रीज एफिनिटी, डिक्रीज
ऑक्सीजन एफिनिटी, डिक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी डिक्रीज कर जाएगी ताकि ऑक्सीजन की डिलीवरी, ऑक्सीजन की डिलीवरी कहां पर हो सके, टिश्यूज में हो सके। सो एक बार और रिवीजन करते हैं और आगे बढ़ते हैं माउंटेन सिकनेस में। माउंटेन सिकनेस को हम एल्टीट्यूड सिकनेस भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग मैदानों से पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, हिल्स की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं हम लोग एल्टीट्यूड में चलते हैं। एल्टीट्यूड पे चलने पर लगभग 3500 मीटर ऊपर जाने पर हमें क्या मिलेगा, हमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम मिलेगा। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम मिलेगा इस वजह से ऊपर चढ़ने पर पैल्पिटेशन महसूस होंगे, फटीग होगा, थकान होगी, वॉमिटिंग होगी, नौजिया होगा, हेडेक होगा। इन सारे सिम्टम्स से एक्लमेटाइज करने के लिए आपको कुछ दिन लगेंगे। इस दौरान एक्लमेटाइजेशन होगा, एडाप्टेशन होगा और ये एडाप्टेशन आरबीसी के काउंट को इंक्रीज करेगा और इसीलिए पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का आरबीसी काउंट ज्यादा होता है। दूसरा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा। तीसरा, बोहर इफेक्ट को अच्छा करने के लिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी ज्यादा शो करेगी कि कम, ताकि ऑक्सीजन जो भी उसके पास आई है वो उसके पास रहे कि बेटा टिश्यूज में पहुंच जाए। तो आपको ये अडाप्टेशन भी याद रखना पड़ेगा। मैंने पहले से बोला था अडाप्टेशन या तो मॉर्फोलॉजिकल होते हैं या तो फिजियोलॉजिकल होते हैं। अब बताइए माउंटेन सिकनेस कैसा अडाप्टेशन है? इट इज फिजियोलॉजिकल, क्योंकि कहां पर चेंजेस आ रहे हैं, फिजियोलॉजी। एक और मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है जो अक्सर एलिफेंट में होता है या फिर आपकी बुक में दिया गया है व्हेल में। एलिफेंट या व्हेल दोनों ही मैमल्स हैं। ये अपने स्किन के नीचे बिलो द स्किन या फिर हम लोग बोलते हैं सब क्यूटेनियस, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन और सब मतलब बिलो द स्किन, एक फैट की लेयर रखते हैं और इस फैट लेयर को हम लोग बोलते हैं ब्लबर। और ये जो फैट लेयर है, ब्लबर है, ये हीट इंसुलेशन का काम करती है, यानी हीट लॉस और हीट गेन में हीट इंसुलेशन का यानी हीट के लॉस को रोकती है। तो एलिफेंट और व्हेल अपनी बॉडी में मॉर्फोलॉजी में चेंज करते हैं और वो मॉर्फोलॉजी का चेंज है उनकी स्किन के नीचे एक फैट लेयर। ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन जो एंजाइम पर डिपेंडेंट है उनको लेकर के एक दो बातें एनसीईआरटी ने क्वेश्चन के रूप में पूछी हैं, जैसे कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया है इनके एंजाइम ये सब नॉर्मल टेम्परेचर पर एडाप्टेड है और ये सब नॉर्मल टेम्परेचर 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकते हैं। इन टेम्परेचर पर एडाप्टेड हैं बैक्टीरिया और इन्हीं टेम्परेचर पर बैक्टीरिया सरवाइव करना चाहते हैं। आपको मालूम है बैक्टीरिया हमारी बॉडी में सरवाइव करेगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है तो 37 डिग्री के आसपास ये बैक्टीरिया सरवाइव करना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रह लेते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में रह लेते हैं लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ज्यादा या उसके आसपास इतने टेम्परेचर पर रह लेते हैं। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब बहुत आसान है, इनके पास हीट स्टेबल या फिर टेम्परेचर स्टेबल जिन्हें हम लोग बोलते हैं थर्मो स्टेबल एंजाइम होते हैं। और ऐसा एक एंजाइम हम लोगों ने पीसीआर करते वक्त पढ़ा है। अगर आपको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन याद हो तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टैग पॉलीमरेज का नाम लिया था हम लोगों ने और वो टैग पॉलीमरेज 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी काम कर लेता है। ऐसे इनके पास एंजाइम की भरमार है और ये अपने हाई टेम्परेचर कंडीशन पर भी सर्वाइव कर रखने की क्षमता का रखते हैं। और आपको मालूम है बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स या हॉट एनवायरमेंट में रह सकते हैं उनमें से एक ग्रुप है बैक्टीरिया का, यू नो दैट, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज आर्की बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने आपसे और पूछा है और वो ये पूछा है कि आर्कटिक रीजन में जो फिशेज हैं, ये फिश है ये आइस डिपॉजिट होने वाली जहां पर वहां पर आइस डिपॉजिट है उसके नीचे पानी बह रहा है वहां पर सब जीरो टेम्परेचर का मतलब जीरो टेम्परेचर से, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे ये फिशेस कैसे सरवाइव कर लेती हैं,
इसका इस क्वेश्चन का जवाब है, इनके पास एंटी फ्रीज सॉल्यूट होते हैं और एंटी फ्रीज सॉल्यूट या फिर इनके पास एंटी फ्रीजिंग एंजाइम्स भी होते हैं, और इस एंटी फ्रीजिंग एंजाइम्स की कंडीशन उन्हें ऐसे मेंटेन करती कि उनका बॉडी फ्लूड फ्रीज नहीं होता, बल्कि बाहर का एनवायरनमेंट फ्रीजिंग है फिर भी इनकी बॉडी का फ्लूड फ्रीज नहीं होता और आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। एक क्वेश्चन उन्होंने और भी पूछा है और वो क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस है कि जैसे जैसे हम डीप में जाएंगे समुद्र में, जितना ज्यादा गहराई पर हम लोग जाएंगे, गहराई पर जाने पर फ्लूड मैकेनिक्स ये कहती है कि जितना गहराई पर जाएंगे एक एच रो जी नाम का प्रेशर लगेगा। आप इसे ध्यान से देखिए, वेयर पी इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वेयर एच इज हाइट, रो इज इट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट फ्लूड, यानी कि यहां पर जो ओशियन का वाटर है दैट उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मछलियां जितने नीचे या कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने नीचे जाएगा उस पे प्रेशर उतना कम कि उतना ज्यादा, और इतने ज्यादा प्रेशर पर इन ऑर्गेनिज्म की बोन को क्रश हो जाना चाहिए था, फिर भी ये मछलियां सरवाइव क्यों करती हैं? दे हैव स्पेशल एंजाइम। इवन कुछ मछलियां ऐसी हैं जिनमें स्विम ब्लैडर जैसे ऑर्गन पाए जाते हैं, और ये ऑर्गन उन्हें बायोन्सी प्रोड्यूस करते हैं और उन्हें प्रेशर झेलने की क्षमता मेंटेन कराते हैं या फिर प्रेशर को आसानी से बेयर करने की क्षमता पैदा करते हैं। तो आपको इन क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी में आपसे पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। एक एक करके मैं हटाता जाता हूं, आप रिवाइज करते जाइए। एलिफेंट और व्हेल अपनी स्किन के नीचे, दैट इज सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे, एक फ्लैट लेयर रखती है जिन्हें बोलते हैं ब्लबर, और ये एक हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, बैक्टीरिया के पास जो एंजाइम होते हैं वो लगभग 30 से 50 डिग्री के आसपास के लिए अडाप्टेड है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया लाइक आर्की बैक्टीरिया एंड सम बैक्टीरिया विच लिव इन द हॉट स्प्रिंग्स 100 डिग्री टेम्परेचर के आसपास बॉइलिंग वाटर में भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास हीट स्टेबल और थर्मोस्टेबल एंजाइम्स होते हैं। ऐसे एक एंजाइम की बात हम लोगों ने तब की थी जब टैग पॉलीमरेज के नाम पर हम लोग थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज पढ़ रहे थे। इसके अलावा आर्कटिक रीजन की जो मछलियां हैं वो सब जीरो टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकती हैं, उनके पास एंटी फ्रीज सॉल्यूट होते हैं जो उनकी बॉडी के फ्लूड को फ्रीज नहीं होने देते, इवन बाहर का टेम्परेचर फ्रीजिंग है तब भी। और एक और क्वेश्चन है कि जितना डीप जाएंगे हम लोग, डीप जाने पर उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने पर बोन क्रश हो जानी चाहिए, लेकिन भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं क्योंकि उनके बोन क्रश नहीं होती, वो प्रेशर को झेल जाते हैं, उनके पास स्पेशल ऑर्गन और स्पेशल एंजाइम होते हैं। ये उनके क्वेश्चन के आंसर है। हाँ, मैं फिर से बोलूं, हम लोगों ने अडाप्टेशन में पढ़ा है कि ये वो चेंजेस हैं जो या तो मॉर्फोलॉजी है या तो फिजियोलॉजी है या तो बिहेवियर है, और आप देखेंगे मैंने सारे एग्जाम्पल या तो मॉर्फोलॉजी से दिए या तो फिजियोलॉजी से दिए, अभी तक हम लोगों ने कोई भी एग्जाम्पल बिहेवियर का एग्जाम्पल नहीं लिया। नाउ द वन मोर एग्जाम्पल दैट इज नोन एज बिहेवियरल अडाप्टेशन, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हम बिहेवियर का अडाप्टेशन देखते हैं, और बिहेवियरल अडाप्टेशन पढ़ने के लिए हम लोग एक लिजर्ड की बात करते हैं, एंड दैट इज नोन एज डिजर्ड, यानी कि जो हमारे रेगिस्तान में रहने वाली एक स्पेशल छिपकली है, डिजर्ट लिजार्ड। अब ये डिजर्ट लिजार्ड अपने आप को अडाप्ट करती है रेगिस्तान में रहने के लिए। आपको मालूम है मैंने बताया है कि डिजर्ट की खास बात है कि इनके दिन डे बहुत हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, और मैंने आपको बताया है इनकी नाइट जो होती है वो बहुत कोल्ड होती है। तो ये अजीब ही जगह है जहां पर 24 घंटे में आपको टेम्परेचर चेंजेस भयानक मिलते हैं। दिन में रहेंगे तो बहुत गर्मी, और रात में रहेंगे तो काफी सर्दी, बहुत सर्दी भी हो सकती है। तो इन दोनों जगहों, दोनों ही टेम्परेचर को कैसे एक ही ऑर्गेनिज्म 24 घंटे में सरवाइव कर सकता है? होता क्या है, जो डिजर्ट लिजार्ड है ये बरो करती, बरो मतलब बिलों में रहती, बरोइंग हैबिट की रखती है, बरोइंग। तो जिस समय नाइट आती है तो नाइट के समय पर ये बरो कर जाती है, यानी कि बरोइंग करती है। नाइट में तो ये अपने बरोज में चली जाती है, छुप जाती है।
ताकि सर्दी से बच सके। अर्ली मॉर्निंग, नाइट के बाद जब वो अर्ली मॉर्निंग होती है, जैसे जैसे सूरज निकलने लगता है, धूप बढ़ने लगती है, अर्ली मॉर्निंग ये बरों से बाहर आती है और सन बास्किंग करती है। सन बास्किंग का मतलब है धूप सेकना, ये बाहर आकर के धूप सेकती है। पर आपको मालूम है ये अर्ली मॉर्निंग में धूप सेकने लायक धूप है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा धूप और दोपहर तक बढ़ेगी, धूप इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हॉटनेस बढ़ जाएगी। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग में सनबास्किंग करती है और धूप बढ़ने लगती है, तो आफ्टरनून या फिर नून आता है, यानी कि आप जैसे जैसे दोपहर आने लगती है ये शेड ढूंढती है, शेड जहां पर भी छाया मिलेगी पेड़ की, वो शेड में जाकर के रुक जाती है, बरो नहीं करती, शेड पे जाती है। और फिर जैसे ही नाइट आती है फिर ये बरोइंग करती है, बरो के अंदर चली जाती है। अब आप देखिए 24 घंटे में उसने अपनी मॉर्फोलॉजी में कोई बदलाव नहीं किया, फिजियोलॉजी में कोई बदलाव नहीं किया, केवल बिहेवियर में बदलाव किया। रात भर बरो में रही, सुबह होते ही जब धूप निकलने लगी सन बास्किंग करने लगी, जब धूप बढ़ गई तो शेड में गई, छाया में गई, और जैसे ही रात होने लगी उस छाया से वो बरोज में चली गई। इसका मतलब है यहां पर जो एडाप्टेशन है, ये एडाप्टेशन ना तो फिजियोलॉजी का है ना तो मॉर्फोलॉजी का है, ये किसका है? बिहेवियर का। इसके पहले कि मैं टॉपिक खत्म करूं, एक बार डेफिनेशन और एडाप्टेशन की। व्हाट इज एडाप्टेशन? इट इज एनी चेंज इन मॉर्फोलॉजी और इन फिजियोलॉजी और इन बिहेवियर विच मेक द ऑर्गेनिज्म फिट फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। और जितने भी एग्जाम्पल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कंगारू रैट अप टू द डेजर्ट लिजार्ड, इन सारे एग्जाम्पल में मैंने मॉर्फोलॉजी को बदलते देखा, फिजियोलॉजी को बदलते देखा और बिहेवियर को बदलते देखा। अगले वीडियो में टेक केयर।